सर वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। सर इन्होंने इस स्टोरी में कितना एग्जैजरेट किया और कितना सच है? हम इनको बिग ब्रदर कहते हैं। मैंने शायद बहुत कम नाम लिया है, ये पूरी सच्चाई है। ये पूरी सच्चाई है, जो श्रीकांत ने कहा वो भी सच्चाई है। हम अच्छी क्रिकेट खेलने गए थे, अच्छी क्रिकेट खेलने गए थे, वो जो 79 का कहा वो भी सच्चाई है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 79 में जब हार रहे थे, हम 3 मैच खेले थे, टीम में सबसे ज़्यादा खुश मैं था, क्योंकि मैं उस टीम वर्ल्ड कप में था, क्योंकि मैं 12th मैन था, मैं खेल नहीं रहा था। और वो दुख भी हो रहा था। तो हमने जब पहला मैच खेला वेस्ट इंडीज़ का, तो BBC रिकॉर्डिंग करती है, मैच दिखाती लाइव, तो उन्होंने कह दिया ये तो ऐसे होगा जैसे जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज़ है। इंडिया को मानते नहीं थे कि चलो ये कहीं रिकॉर्डिंग और कर लेते। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है, आपको शायद जानकर सरप्राइज होगा, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है पहले मैच की। और जब झटका लगा ना 880 वोल्ट का पहले मैच में जब भारत जीता है, तो फिर वो BBC भी हिला कि अब हमें इनको कवर करना चाहिए, ये कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन एक इंसान की मैं दाद दूंगा, वो कहते हैं ना जो लेजेंड्स होते हैं, वो लेजेंड्स होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। हम प्रैक्टिस मैच खेल रहे थे, शायद बहुत कम लोगों को पता है, 2 मैच हम प्रैक्टिस मैच खेले थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले श्रीलंका के खिलाफ। पहला मैच हम लेस्टर शहर में खेल रहे थे, और जब हम खेल रहे थे हमने 285, हमारा चैंपियन कपिल और मैंने एक पार्टनरशिप की थी, वहाँ एक बहुत बड़े लेजेंड आए सर गैरी सोबर्स। उन्होंने जब वो मैच देखा, थोड़ा ग्रीन टॉप थी, जब मैच जीत गए तो उन्होंने वहीं से कह दिया था कि ये अंडरडॉग्स तो है, वॉच दिस टीम। ये सबको पता है, बाकी तो बहुत सारी स्टोरी है वो आपको पिक्चर में दिखेंगी। लेकिन जब फाइनल जीते तो मुझे कहा जाता था, मेरा एक नाम दिया हुआ है, मैं शुक्रगुजार हूँ अपने सभी साथियों का, बादाम शॉट, क्योंकि मैं बादाम आज भी खाता हूँ, पहले भी खाता था, बचपन से खाता, तो मेरा वो निकनेम हो गया बादाम शॉट। जब जो छक्का लगता है वो कहते बादाम शॉट चला गया अभी। जब हम फाइनल जीते थे, अगर आप बैल्कनी में देखेंगे तो सब लोग बाहर खड़े थे, वेव कर रहे थे, नीचे कम से कम 10 से 20 हज़ार लोग खड़े थे। तो एक रवि शास्त्री का दोस्त था, उसने ऐसे ही कह दिया था, शायद संदीप का भी दोस्त था, शायद संदीप का दोस्त था वो जिन्होंने वो शैंपेन की बॉटल्स दी थी, हाँ प्रवीण भाई, तो उन्होंने हमें कह दिया कि आप ऐसे ही कह दिया जैसे हमने पहला मैच जीता, कि यार जीतोगे तो फाइनल जीतोगे तो जितनी शैंपेन बॉटल बोलोगे आपको दी जाएंगी। अब वो ड्रेसिंग रूम में आ गई, अब वो नीचे लोग गए कि कुछ फेंकी है वहाँ से, अब वो शैंपेन की बॉटल नीचे से वो ऊपर से फेंकी जा रही है, तो लोग इंजॉय कर रहे हैं, अब वो ख़त्म हो गई, अब हमसे कहाँ रहा जाए, अब वो नीचे कह रहे और फेंको। अब वो कुछ हमें भी 2-4 लोग हैं जो दूध पीने का बड़ा शौक रखते थे, अब वो चाय के लिए बहुत बॉटल पड़ी थी, मैं माफ़ी चाहता हूँ वो क्या, तो वो जब ख़त्म होगी तो वो दूध की बॉटल नीचे जा रही थी, लेकिन वो लोग नीचे इंजॉय कर रहे थे। तो ये एक मेमोरेबल टाइम था, और आज भी वो बॉन्डिंग है, जो मेरे साथी हैं सारे, कुछ सीनियर हैं कुछ जूनियर हैं, तो आज भी वो जब मिलते हैं तो वो यादें ताज़ा हो जाती है, और वो चीज़ एक ऐसी आ जाती कि शायद कुछ देर पहले ही ये वर्ल्ड कप जीता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस चाहत के लिए। थैंक यू सर।